64 योगिनी माता धाम देवालय वार्ड 17 नेहरू भवन सुपेला में 7 नवंबर से श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। राजनांदगांव से आए भगवताचार्य पंडित लुकेश्वरानंद अपने श्रीमुख से श्रद्धालुओं को कथा का श्रवण करा रहे हैं। कथा सुनने बड़ी संख्या में लोग कथा स्थल पहुँच रहे हैं। कथा का आयोजन समस्त नगर वासियों की ओर से किया गया है। भगवताचार्य द्वारा भागवत की महत्ता से लोगों को अवगत कराया जा रहा है। आइए देखते हैं कथा की कुछ खास झलकियां। वही पुजारी राजकुमार तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कई लोग इसलिए चुपचाप बैठे रहते हैं, हम तो डरपोक हैं, इसकी हिम्मत तो देखो, ये तो लाज भी रही है, लेकिन हम तो अपने बैठे बैठे जगह में सोच ही रहे हैं और कब तक आरती होगी। तो भगवान के भक्ति भजन में कोई शर्म वाली बात नहीं है। जिनका ऐसा भाव होता है वो नाच सकती हैं, नृत्य कर सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। किसी ने प्रश्न पूछा, दुर्ग की घटना है, इसमें मेरी चौथी कथा थी। बोले महाराज जी, 64 योगिनी मैया की जय। मेरा नाम पंडित राजकुमार तिवारी, पुजारी हूँ इस मंदिर प्रांगण का। 64 योगिनी माता धाम देवालय जो यह मंदिर है, नेहरू भवन रोड के पीछे यह मंदिर स्थित है। इस मंदिर में यह प्रथम वर्ष सार्वजनिक रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन रखा गया है और यह 7 तारीख से प्रारंभ हो चुका है। 14 तारीख तक यह चलेगा। आज तृतीय दिवस इसका है और आपके चैनल के माध्यम से, माइक के माध्यम से यही अपील है, यही प्रार्थना है कि जैसे गरीब कन्या का विवाह होता है उसमें सब लोग बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं, उसी तरह यह ब्राह्मण भी एक गरीब है। हमारी कोई हैसियत और इतना बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन भगवान के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं, यही प्रयास रहा है और इसी प्रयास को बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास है कि यह सामूहिक रूप से दिव्य कथा, अमृतमयी कथा का रसपान हमारे सुपेलावासी, समस्त नगरवासी कर सकें और इसी के तहत यह आयोजन रखा गया है।